नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वाब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शिवसेना ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख सुनील शर्मा प्रदेश के हर जिले में दौरे कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के काम में लगे हुए हैं और 26 अप्रैल को भोपाल में जन आक्रोश रैली के लिए कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी कर रहे हैं। रैली में जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार, गौचर भूमि अतिक्रमण मुक्त, स्कूल और शमशान की भूमि से कब्जे हटे, शराबबंदी हो, पुरानी पेंशन लागू हो सहित तमाम मांगों के साथ शिवसेना भोपाल में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने दावा किया कि प्रदेश में शिवसेना सरकार भी बना पाए, लेकिन सरकार पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। राज्य प्रमुख सुनील शर्मा के साथ रजनीश गिरी भी उनके साथ शिवपुरी आए और जिनका स्थानीय शिवसेना नेताओं ने स्वागत किया। दिग्विजय सरकार के अंदर जो है पेंशन योजना कर्मचारियों को बंद कर दी गई थी, वो पुनः ये सरकार लागू करे पेंशन योजना, नहीं तो मध्य प्रदेश में। इस बार मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि सरकार चाहे किसी की भी बने मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन बिना शिवसेना के समर्थन के सरकार नहीं बन पाएगी। और अगर हमारी सरकार बनती है मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली योजना जो है 1000 की घोषणा हमारी शिवराज सरकार ने की, कांग्रेस ने 1500, हम 2000 रुपये प्रति माह लाडली योजना में हम देंगे, लाडली बहन योजना में देंगे। साथ ही हमने जो पत्रकार भाई लोग हैं उनके लिए भी जो पत्रकार कॉलोनियों का निर्माण करेंगे और हर माह 10,000 के सरकारी एड हर पत्रकार बंधुओं को दिए जाए, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। हमारे ये मुद्दे हैं। 26 अप्रैल को भोपाल के अंदर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर महाराष्ट्र से राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय संगठक हमारे अशोक तिवारी जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय संगठक रविंद्र कुजकर साहब आ रहे हैं और ये रैली जो है जन समस्याओं को लेकर के हम जन आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें जल जंगल और जमीन आदिवासी भाई के लिए सुरक्षित की जाए पहली मांग है। दूसरी, हमारी गोचर भूमि जो है मध्य प्रदेश के अंदर कई भूमाफियाओं ने, कई राजनेताओं ने कब्जा कर रखा है और आज गौ माता परेशान है, तो तत्काल प्रभाव से सरकार गोचर भूमि को मुक्त करे और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करे। मठ मंदिर की ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी कब्जे हैं तो वहाँ सरकार इन मठ मंदिर की जमीन से कब्जे छुड़वाए।